पीडब्ल्यूडी स्टेट मिनिस्टर बृजेश सिंह अयोध्या पहुंचे। बृजेश सिंह ने सर्किट हाउस में भाजपा विधायकों और भाजपा नेताओं से मुलाकात की। स्टेट मिनिस्टर बृजेश सिंह ने अयोध्या में होने वाली कैबिनेट की बैठक पर कहा कि हर कैबिनेट की बैठक अहम होती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिकता की आधार पर एजेंडे में है। भगवान राम की जन्मस्थली है, हम सब की आस्था और आराधना का केंद्र भी है। अयोध्या हमेशा हमारे केंद्र बिंदु में रहता है। स्टेट मिनिस्टर बृजेश सिंह दीपोत्सव के बारे में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि दीपोत्सव 11 तारीख को है और दीपावली 12 नवंबर को है। इस बार हम सबका सौभाग्य है, पूरा देश दो बार दीपावली मनाएगा। एक दीपावली हम 12 नवंबर को मनाएंगे और दूसरी दीपावली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दीपोत्सव उत्सव का दिन है, भगवान राम की वापसी का दिन है। भगवान राम की वापसी से जितना हर्षोल्लास अयोध्या में उस समय हुई थी, उसी हर्षित मुद्रा में देश 22 जनवरी को नजर आएगा। सनातन धर्म पर हो रही टिप्पणी के बारे में बोलते हुए भी बृजेश सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर किसी की टिप्पणी उसका मानसिक दिवालियापन है। सनातन अजर है, अमर है और चराचर है। देखिए, कैबिनेट में क्या क्या विषय आएंगे और कैबिनेट में क्या क्या होगा, ये कैबिनेट की बैठक होने के बाद ही उसको बाहर डिस्क्लोज किया जा सकता है। कैबिनेट में डिस्कशन के बाद और कैबिनेट में उससे पहले उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान राम की नगरी है और आप सब जानते हैं कि जब प्रयागराज में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन किया था, उस स्थल पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी। ऐसा ही अयोध्या के अंदर भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट बैठक यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने जा रही है। माना जा रहा है कि ये बैठक जो है